तो कहाँ थे हम लोग? हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका ए प्लस प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। थर्ड आप देखो क्या आएगा, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है ए बी और इस प्रोडक्ट पे आपको ट्रांसपोज लेना है, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिमिलरली अगर आप के पास प्रोडक्ट है ए बी सी और इसका ट्रांसपोज आपको लेना है, तो ये हो जाएगा आपका सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। पांचवी भी चलो देख लो, अगर आपके पास मानो कोई स्केलर है के इंटू ए का ट्रांसपोज अगर आप करना है, तो ये आएगा के स्केलर भार ए ट्रांसपोज, जहां पे के क्या है, के इज अ रियल नंबर, के बिलोंग टू आर। फाइन, तो अब आप ये वाला देखो कि अगर मैंने ए प्लस ए में ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लगाया तो क्या आएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये आएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए। तो अगर आप देखोगे तो एक्स ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे आप अगर वाई ट्रांसपोज देखो तो ये आएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस बाहर लिया तो ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या आ गया, माइनस वाई आ गया, और वाई ट्रांसपोज बराबर माइनस वाई, मतलब जो वाई जो है वो क्या है आपकी, एक स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक्स पता है आपको, वाई पता है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और ये आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई बाय टू, और जो आएगा आपको एक्स क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय टू प्लस में ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय टू, ये आपको ए आ जाएगा। ठीक है, और आप चेक करोगे कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, इसका सिमेट्रिक पार्ट है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। और इसी बार ये सवाल आया था कि आपको ये ए मैट्रिक्स दे रखा था और उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट आपसे पूछा था, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो अब हो जाएगा ये ओके, है ना। फाइन, तो ये सब प्रॉपर्टीज हो गई, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके जो गेट में आए हुए हैं, वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, और ये आपके गेट में आया वो प्रॉब्लम है ना। तो ये आया था आपको गेट, गेट में आया था 2004 में आया है, 2004 का प्रॉब्लम है ये। तो क्या बोल रहा है, रियल मैट्रिसेस ए बी सी डी ई एफ आपको मैट्रिसेस दे के रखे हैं जो रियल हैं, आर गिवन, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड विद रेस्पेक्ट टू दिस मैट्रिसेस। पहला है मैट्रिक्स प्रोडक्ट, दिस 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 इज अ स्केलर, एंड दूसरा है मैट्रिक्स प्रोडक्ट ये वाला इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो आपको पहचानना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है या दोनों सही है। ठीक है, तो देखो देखना शुरू करते हैं हम लोग, पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूँ क्या है, आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, फिर हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे कि जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट एफ ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी सी एफ इज अ स्केलर। तो है तो ये प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट को बनना है तो सबसे पहले तो दे मस्ट बी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो हम पहले सी कंपेटिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट बन सकता है क्या। तो एफ ट्रांसपोज क्या आएगा मेरा, एफ ट्रांसपोज होगा 1 क्रॉस 5, 1 क्रॉस 5 है ना, ये इसका प्रोडक्ट करोगे इसके साथ, सी ट्रांसपोज के साथ दैट इज 5 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 3 इसका प्रोडक्ट किसके साथ करोगे, बी के साथ, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 इसका प्रोडक्ट किसके साथ करोगे आप, सी के साथ,
3 × 5 और इसका प्रोडक्ट इसका निकल गया c का f के साथ f is 5 × 1 5 × 1 ये प्रोडक्ट करना है तो आप देखो 1 5 5 किससे प्रोडक्ट हो गया तो 1 3 आ जाएगा 1 3 को 3 3 से करोगे अगेन 1 3 आ जाएगा 1 3 को 3 5 से करोगे तो 1 5 आ जाएगा 1 5 को 5 1 से करोगे तो 1 1 आ जाएगा तो करके देख लेते हैं ये 1 3 इस 1 3 को 3 3 से करोगे तो फिर 1 3 1 3 को 3 5 से करोगे तो 1 5 1 5 को 5 1 से करोगे तो 1 1 तो फाइनल प्रोडक्ट आएगा आपको 1 by 1 और 1 by 1 क्या होता है सिर्फ एक एलिमेंट ही होता है एंड सिंगल एलिमेंट मानो ए है तो ये क्या आ गया स्केलर तो आपका पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया है ना तो खोदा पहाड़ निकली चाहिए तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर सवाल बड़ा को तो छोड़ना नहीं है पहले पढ़ो उसको ध्यान से फिर देखो कि क्रक्स क्या निकल रहा है तो ये तो बहुत इजी सा आंसर आ गया स्टेटमेंट 2 देखो मैट्रिक्स प्रोडक्ट डी ट्रांसपोज एफ डी इज ऑलवेज सिमेट्रिक तो हम लोग इसमें क्या करेंगे पहले लिख के देख लेते बात खत्म हो जाएगी ठीक है चेक तो करें आखिर कि ये प्रोडक्ट बनता है कि नहीं बनता है तो डी ट्रांसपोज देखो क्या आएगा 3/5 ये आया 3/5 इनटू फिर आप देखो कि f क्या आएगा f आएगा आपको 5/1 ठीक है 5/1 इनटू d क्या आएगा आपके पास 5/3 तो इसको करोगे तो क्या आएगा 3/1 और 3/1 को 5/3 से करोगे तो बनेगा ही नहीं क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी जो बराबर नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है तो ये पेयर तो बन ही नहीं सकता है तो बन ही नहीं सकता तो सिमेट्रिक कौन सा है अनसिमेट्रिक कौन सा सही है भाई तो क्या आंसर हो गया स्टेटमेंट 1 ट्रू है और सेकंड वाला क्या है फॉल्स है इसका आंसर ए ही आ गया ठीक ओके तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं ये 2000 में आया था डेट में An n cross n array V is defined as follows. An n cross n array V is defined as follows. क्या बोल रहा है? देखो V के element में ना Bij, जो Bij बोल रहा है ना, ये V का element है Bij, जो दे रखा है आपको i minus j. अच्छा Bij मतलब जैसे Aij नहीं होता, Aij, A11, A12, A13, Amn, ऐसे ये Bij element है और element का definition आपको दे रखा है कि जो element बनाओगे वो होगा i minus j. तो देखो मतलब क्या हो सकता है अगर बोला कि v 11 होगा तो 11 क्या हो जाएगा i माइनस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ऐसे 12 क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा एंड सो ऑन ठीक है तो डेफिनेशन रखिए i j कहां से कहां तक है n तक है 1 से n तक है i और j दोनों 1 से लेके n तक क्या पूछ रहा है बोल रहा है कि देन सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे v इज कि v मैट्रिक्स बनाओ आप और आप देखो इसके एलिमेंट्स का सम कितना आता है ठीक है तो देखते बना के तो पहले v लिखना पड़ेगा ना आप तो स्टार्ट करो v लिखना मैट्रिक्स लिखना शुरू करते हैं फिर देखते हैं हमको क्या दिखता है इसमें है ना तो पहले स्टार्ट तो करें तो देखो फर्स्ट आप इसमें देखो i माइनस j है जब भी i बराबर j हो जाएगा जब भी i j के बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा डायगोनल एलिमेंट्स में तो i j के बराबर होता है ना तो ये सब तो पहले ही जीरो हो गए ये सब तो पहले ही जीरो हो गए ठीक है अब आप देखो i माइनस j है अगर मैं 1 2 लिखूं तो ये आया मेरे पास 1 माइनस 2 अगर मैं 1 3 लिखूं तो ये आएगा मेरे पास 1 माइनस 3 एंड सो ऑन ऐसे में n वाला लिखता तो 1 माइनस n आ जाता सिमिलरली अगर मैं सेकेंड रो देखो आप अगर लिखता हूं तो मैं तो सेकेंड में क्या आएगा मेरे पास ये सेकंड वाला रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2 1 तो ये हो गया 2 माइनस 1 अच्छा आप अब एक ऑब्जर्व करो चीज क्या ये 1 माइनस 2 जो है ये 2 माइनस 1 का अपोजिट लिखा हुआ है क्या नेगेटिव लिखा हुआ है क्या ठीक है थोड़ा और देखते हैं कॉलम लिखना शुरू करते हैं इस कॉलम का अगर आप एक एलिमेंट और फिर करो तो ये आएगा 3 1 तो 3 माइनस 1 तो जो 3 माइनस 1 है ये इसका नेगेटिव है क्या तो आप थोड़ा सा दिमाग घुमाओ कि मैंने आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या बोला था कि जो सारे के सारे डायगोनल के एलिमेंट्स हैं
ये तो क्या होते हैं, जीरो होते हैं, और ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर है, तो यही तो हो रहा है इसमें, जो ए आई जे है वो माइनस ए जे आई के बराबर ही तो आ रहा है। तो जब आप इसका सम करोगे तो ये तो जीरो ही हो गया, और ये एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे ये क्या है, ये माइनस वन है तो ये प्लस वन है, ये माइनस टू है तो ये प्लस टू है, ये वन माइनस एन है तो यहाँ क्या आएगा, एन माइनस वन। तो क्या सब सम होके स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स अगर बनती है तो उसके एलिमेंट का सम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इनका जब आप सम करोगे ना, आप अगर सारे एलिमेंट का सम करोगे ए आई जे का, है ना, आई फ्रॉम वन टू एन, ठीक, और जे भी आप कर दो वन से एन, तो ये सब क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, समझ में क्या आ जाएगा आपको, जीरो आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो और लिख के, और लिखा के दिखाऊं क्या, तो ये जीरो हो गया। अच्छा इसका ये क्या था, टू थ्री, तो टू माइनस थ्री आ था, और इधर क्या आ जाता, थ्री माइनस टू, है ना, ये दोनों का कोई दूसरे का अपोजिट है ना, सब ऐड होके सब्ट्रैक्ट हो जाते, तो जीरो ही आ जाता, तो आपको जीरो ही पॉइंट। तो एक ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग, है ना, इसमें सी वाला पार्ट गेट में आया 2004 में, और ऊपर वाले भी बहुत पहले आए थे गेट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सुपर में, क्या बोल रहा है, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको बनाना है तो आपको मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम आपको बताना है, ठीक है। तो पहले मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लिखता हूँ, और मैंने पहले भी ये डिस्कशन किया है कि आपको मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स में तीन अलग अलग पार्ट में एलिमेंट तोड़ के बताए हैं, जैसे ए वन वन, वन टू एन, ए वन एन, ये ए टू वन, टू टू, और ये टू एन, ऐसे ये क्या हो जाएगा, ए एन वन एन टू, ये हो जाएगा ए एन एन, और ये एन बाय एन मैट्रिक्स है ना, ये क्या है, एन बाय एन मैट्रिक्स है। अब आप अगर देखो इसको कि एक पार्ट मैंने ये तोड़ा, एक मैं हर बार ये तोड़ता हूँ, और एक पार्ट में ये वाला स्टडी करता हूँ। तो अगर आप ये तीन पार्ट देखो, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि डायग्राम कितने एलिमेंट्स होंगे, एन, ये वाला जो बचा पार्ट है इसमें कितने आएंगे, एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू, क्योंकि टोटल एन स्क्वायर थे, एन स्क्वायर माइनस एन निकाला, तो इसके और इसके एलिमेंट बच गए, और ये दोनों सिमेट्रिक है तो हाफ इसमें होंगे और हाफ इसमें होंगे, है ना, आधे आधे इसमें पार्ट होंगे। तो ऐसे हमने पूरे एन स्क्वायर एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया था। अब अगर आप बात देखो, पहला क्वेश्चन एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खास बात क्या होती है कि उसका ए आई जे और ए जे आई बराबर होते हैं, ए आई जे और ए जे आई बराबर होते हैं। तो हमको सिर्फ क्या काउंट करना है, हमको काउंट करना है, या तो आप अगर इस पार्ट को वन बोलो, इसको टू बोलो, और इसको थ्री बोलो, तो या तो आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर आप बोलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट किसके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से अगर आप गिनना शुरू करो, तो या तो आप वन वाला पार्ट और टू वाला पार्ट जोड़ लो, या आप टू और थ्री को ऐड कर दो, यही उठता है ना। तो अगर आपने वन और टू को ऐड कर दिया तो क्या क्या आएगा, ये आएगा एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू प्लस एन, और उधर भी आपको वही मिलेगा, एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू प्लस एन। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एन स्क्वायर प्लस एन बाय टू, या एन एन प्लस वन बाय। तो इतने नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मैक्सिमम इतने डिफरेंट एलिमेंट लिख सकते हो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाने के लिए लिख सकते हो, ठीक है। तो एक तरीका हो गया इसका, कि आपको पहले ही पता था, ये सब मैंने आपको पहले बता ही दिया था, इससे आप कर सकते हो। या दूसरा तरीका देखो, अगर आप गिनना शुरू करो कि मानो मैं इस टू और थ्री को ऐड करना चाहता हूँ, और मैं इसको गिनना चाहता हूँ, गिनता हूँ कैसे एलिमेंट आएंगे इसमें। तो पहली रो देखो आप, फर्स्ट रो, अगर आप फर्स्ट रो की बात करो तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एन, कितने एलिमेंट्स हैं, एन। अब आप सेकेंड रो यहां से स्टार्ट करो, क्योंकि इतना पोर्शन तो रिपीट हो जाएगा, ए वन टू और ए टू वन तो बराबर है सिमेट्रिकली, तो इसको छोड़ दिया। अब यहां से देखो, यहां से कितने हो गए, अब ये वाली सेकेंड रो में डिफरेंट कितने होते हैं, एन माइनस वन। ऐसे थर्ड रो में आप देखते तो कितने आते हैं आपके पास, एन माइनस
टू, और लास्ट रो में देखते तो कितने आते वन। तो क्या करेंगे हम लोग, इन सबको ऐड कर देंगे, तो वन प्लस टू प्लस थ्री नीचे से ऐड कर रहा हूँ, सो ऑन एन माइनस टू एन माइनस वन प्लस एन। और अगर आप देखो तो ये क्या सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स है, और ये क्या होता है एन एन प्लस वन बाय एन एन प्लस वन बाय टू। और ये पहले भी निकाला, यहाँ भी ये निकाला और यहाँ भी ये निकाला, ठीक है। इवन आप चाहो तो कॉलम वाइज ऐड कर लो, तो कॉलम में कैसे देखोगे कि इसमें कितने एलिमेंट है, एक, इस कॉलम में कितने, दो, क्योंकि यही दो लेने ना, मुझे नीचे वाले से तो लेने देना ही नहीं है, इसमें कितने हो जाएंगे तीन, ऐसे लास्ट वाले में एन, सबको जोड़ दो एन एन प्लस वन बाय टू, ठीक है। तो कुल मिला के पहला आंसर आ गया। ये आप याद भी रख लेना कि मैक्सिमम इतने डिफरेंट एलिमेंट्स लगते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाने के लिए, एन एन प्लस वन बाय टू, राइट। अच्छा अब दूसरा देखो, अगर सिमेट्रिक की जगह स्क्यू सिमेट्रिक पूछ रहा है कि अगर ये सिमेट्रिक ना होकर स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए तो आपको कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स आप लिख सकते हो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो स्क्यू सिमेट्रिक का पहले स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, और जो भी डायगोनल पार्ट है उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो ही होंगे, ठीक है। तो और ये जो पार्ट है, अगर मैंने इसको वन पार्ट दिया था पहले भी नाम, ये डायगोनल वाला पार्ट क्या आ जाता, टू आ जाता, और ये पार्ट क्या आ जाता आपको, थ्री आ जाता। तो वन वाला अगर पार्ट देखोगे आप तो इसमें कैसा एलिमेंट होगा, मानो अगर यहाँ ए वन एक लिख के दिखाता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये जीरो 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 वन माइनस वन टू माइनस टू थ्री और माइनस थ्री, तो आप एक चीज चेक करो कि वन और थ्री वाला पार्ट जो सिमेट्रिक में पहले बराबर आया था हमारा, है ना, क्योंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट रिफ्लेक्शन अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो मिरर इमेज होते हैं, पर क्या स्क्यू सिमेट्रिक में ऐसा है क्या, क्या वन और माइनस वन बराबर होते हैं क्या, नहीं होते। टू और माइनस टू बराबर होते हैं क्या, नहीं होते। तो ये भी अलग से काउंट होगा, ये भी अलग से काउंट होगा, और ये भी अलग से काउंट होगा। पर इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि डायगोनल वाले सारे जीरो हैं, डायगोनल वाले सारे जीरो हैं। तो एक तरीका तो इसका ये हो गया कि आपको पता था पहले कि ये इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू, और इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू, इनको जोड़ दिया। और डायगोनल लिखने के लिए कितने थे, पहले एन चाहिए थे, पर अब स्क्यू सिमेट्रिक में तो केवल एक ही एलिमेंट है, दैट इज जीरो, उससे बन जाएगा, तो सिर्फ एक एलिमेंट जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने होंगे मैक्सिमम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए, वो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू प्लस एक एलिमेंट वन। ये वन क्यों आया, इसको भी तो भरना पड़ेगा ना, तो ये आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, इतना एलिमेंट्स आपके आंसर आ जाएंगे, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, ठीक है। तो बढ़िया ये हो गया ना अपना। इवन आप इसको एक तरीका और करने का कि आप चाहते तो एक बार देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस मैट्रिक्स में कितने होते हैं, अगर ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, n स्क्वायर, तो यहां लिख दो n स्क्वायर, इतने टोटल हो गए। पर टोटल में 1 2 3 तीनों आएंगे, तो उसमें n एलिमेंट्स अलग-अलग जुड़ जाएंगे, डायगोनल में कितने एलिमेंट्स हैं, ये अलग से जुड़ गए, पर होते कितने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, सिर्फ एक, क्योंकि जीरो ही होता है इस जगह, तो आप इसमें से माइनस क्या कर दो, n माइनस कर दो, तो n स्क्वायर माइनस n कर दिया आपने, तो 1 और 3 के एलिमेंट बच गए, 1 और 3 के एलिमेंट बच गए। अब डायगोनल भी लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि डायगोनल में एक एलिमेंट तो है वो क्या है, 0, तो उसको ऐड कर दो, तो भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा, है ना। तो दो पार्ट हो गए हमारे, एक सिमेट्रिक वाला हो गया, एक सिमेट्रिक वाला भी हो गया, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये दोनों आप याद भी रखना, ये दोनों आप याद भी रखोगे, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है मेरे पास कि नंबर ऑफ डिफरेंट n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद ईच एलिमेंट बीइंग 0 और 1, तो ये कैसे बनाएंगे हम, ये वाला, ठीक है, ये भी देखेंगे, है ना। तो कितनी क्या बनानी है हमको, सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनानी है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनानी है, और वो सब डिफरेंट होने चाहिए, नंबर ऑफ डिफरेंट n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस, एलिमेंट्स आपके पास कंस्ट्रेंट है क्या, आप यहां 0 यूज कर सकते हैं,
या वन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। एक 2x2 मैट्रिक्स है कि अगर 0 और 1 एलिमेंट है तो मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बना पाऊंगा इस 2x2 से। तो माना अगर मैंने यूज किया एलिमेंट 0 और 1 और मैं एक 2x2 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मानो अगर मैंने पहले 1 ले लिया, अगर यहाँ मैंने 1 ले लिया क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को फिल करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके, या तो यहाँ 1 आएगा या 0 आएगा, ऐसे चार एलिमेंट फिल करने ना मुझे। तो फर्स्ट एलिमेंट को माना मैंने 1 से फिल कर दिया, तो सेकंड एलिमेंट को मैंने माना 0 से फिल कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने ये वाला एलिमेंट फिल कर दिया, जैसे माना ये एलिमेंट क्या था a12, तो क्या ये a21 अपने आप फिल नहीं हो गया क्या, क्योंकि aij is equal to aj, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये अपने आप 0 हो गया, ये खुद से 0 हो गया, इसको फिल करने की जरूरत पड़ी नहीं, है ना। और इसको भी अगर आपने 0 दे दिया, मानो ऐसे दे दिया एक कॉम्बिनेशन, तो आपकी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, ये वन ऑफ दी कॉम्बिनेशन आया 0 और 1 से। ठीक है, तो मेन बात क्या थी इसमें कि आपने अगर ये 3 एलिमेंट भी फिल कर दिए ना, तो इधर वाला तो अपने आप भर जाएगा, इधर वाला तो अपने आप ही भर जाएगा। तो अगर मुझे 0,1 से 2x2 मैट्रिसेस बनानी थी तो मैं कितनी बना सकता था, तो आप देखो मुझे क्या कौन सा एलिमेंट भरना पड़ता। मेरे को एलिमेंट भरने की चॉइस है, एक तो a11 भर सकता हूं, a12 भर दिया मैंने अगर, तो a21 अपने आप भर गया, और a22 भरना है। ठीक है, ये 3 एलिमेंट भरना है। तो a11 भरने के क्या तरीके हैं, a11 या तो होगा 1 हो सकता है कि 0 हो सकता है, ये दो चॉइसेस हैं मेरे पास, या तो ये 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। अब अगर a11 1 है तो a12 या तो 1 हो जाए या a12 क्या हो जाए, 0 हो जाए, सही ना भाई। और अगर a11 0 है तो भी a12 क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, यही हो सकता है, इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। अब ऐसे ही a11 a12 बन गया, तो a22 क्या हो सकता है, या तो 1 हो जाए या क्या हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए। अगर यहाँ पे 0 और 1 फिल हो गया तो ये या तो 1 हो सकता है या 0 1 0 हो सकता है, 1 0 1 हो सकता है या 1 0 0 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है या 0 0 0 0 0 हो सकता है। तो यही चांस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 केसेस हैं हमारे पास, मतलब 8 अलग अलग प्रकार के मैट्रिसेस बन सकती हैं अगर आपके पास 0 और 1 चॉइस है और 2x2 की आपको क्या बनानी है, मैट्रिसेस बनानी है। ठीक है, 2x2 की सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनानी है। जैसे आपको पहली बना के देखो, पहली में क्या आएगा, ये 1 0 0 जो आया ना, ये भी एक कॉम्बिनेशन बन गया होगा यहाँ कहीं। तो देखो ये वाला कॉम्बिनेशन है ना 1 0 0 जो हमने लिखा था, है ना, ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन आ गया। ऐसे 8 डिफरेंट सिमेट्रिक मैट्रिसेस आप बना सकते हो। ठीक, तो अगर मेरे पास ऑर्डर था 2x2, तो 3 ऐसे नंबर थे जो मुझे फिल करने पड़े। ऐसे अगर मेरे पास n x n ऑर्डर था, क्या ऑर्डर था, n/n ऑर्डर होता, तो देखो मेरे को कितना करना पड़ता। तो मुझे अभी मैंने निकाला था ना कितने डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए, कितने डिफरेंट एलिमेंट बना सकते हो। तो ये कितना निकाला था हमने, n n+1/2। तो अगर 2x2 मैट्रिक्स थी तो ये आया 8 केसेस, और 8 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है ना, तो 2 × 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको भरने पड़े। तो अगर आपको n n+1/2 एलिमेंट्स फिल करने पड़ रहे तो क्या आंसर आता, 2 to the power n n+1/2। तो इतने डिफरेंट मैट्रिसेस आ जाती है आपको, अगर आपको एक जनरल n x n सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी पड़ती 0 और 1 से। ठीक है, तो कैसे लिखा मैंने, पहले 2x2 मैट्रिक्स देखी, एक भी अगर एलिमेंट चेंज हो जाएगा तो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। तो ये 8 तरीके हैं अगर 0 और 1 से आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, क्योंकि ये 3 डिफरेंट एलिमेंट फिल करने पड़े। तो अगर n स्क्वायर होते तो n n+1/2 एलिमेंट्स फिल करने पड़ते, और सबको फिल करने के तरीके कितने, 2 ही हैं।
तो 2 की पावर n n प्लस 1 बाय 2 टू द पावर n n प्लस 1 बाय, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, ये समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये वाला दूसरा तरीका भी देखो एक आप। तो दूसरा तरीका देखो इसका क्या है कि मानो मुझे n क्रॉस n की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है ना, तो अभी उस टाइम मैंने सवाल किया था ऐसे ही बना a 1 1 2 ये 1 n ऐसे ही आता a 2 1 सॉरी ये a 2 2 और ये n n ओके तो इतने एलिमेंट फिल कर दूंगा तो ये तो अपने आप फिल हो गए, ये वाले तो खुद से फिल हो गए। अब आप देखो पहला एलिमेंट अगर आपको भरना है तो इसके लिए कितनी चॉइस है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने पहले निकाले थे कितने थे, एक दो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे मेरे पास n n प्लस 1 बाय 2, इतने एलिमेंट्स थे मेरे पास है ना। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट भरना होता तो इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, दो चॉइसेस है, a 11 के लिए कितनी चॉइस है, दो चॉइस, ऐसे मेरे पास ये दो एलिमेंट है सेकंड कॉलम में तो इनको भरने के लिए कितनी चॉइस है, दो चॉइस इसके लिए है और दो चॉइस इसके लिए है, तो टू चॉइसेस हियर एंड टू चॉइसेस हियर, तो यहां पे आ जाएगा टू का स्क्वायर है ये सेकंड कॉलम के लिए है ना, ऐसे आपको थर्ड कॉलम के लिए 2 टू द पावर 3 क्योंकि तीन अलग अलग एलिमेंट आ जाते हैं इसमें n एलिमेंट आ जाते हैं तो ये क्या आ जाते हैं 2 की पावर n आ जाते हैं पावर n सॉरी n n प्लस 1 बाय 2 तो एलिमेंट्स थे कॉलम्स कितने मेरे पास n कॉलम्स तो 2 टू द पावर n तरीके हो जाते हैं nth कॉलम को भरने के लिए और भरना सबको है तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी आप देखोगे तो क्या आएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन टिल n और ये आ जाएगा 2 की पावर n n प्लस 1 बाय 2 की पावर n n प्लस 1 बाय, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट भरने के तरीके कितने हैं, दो, साइमल्टेनियसली सेकंड कॉलम के दो एलिमेंट भरने के तरीके कितने हैं, 2 का स्क्वायर, साइमल्टेनियसली थर्ड कॉलम के तीन एलिमेंट को भरने के तरीके कितने हैं, 2 का क्यूब, और nth कॉलम के n एलिमेंट को भरने के तरीके कितने हैं, 2 की पावर n, और सबको साइमल्टेनियसली भरना है क्योंकि एक एलिमेंट सिमेट्रिक थोड़ी बनेगी, भरना सबको ही है, और ये मल्टीप्लाई वाला रूल आपको समझ में आएगा प्रोबेबिलिटी में कि अगर एक काम को करने के तरीके n1 तरीके हैं साइमल्टेनियसली दूसरे काम करने के तरीके n2 तरीके हैं तो n1 n2 n2 तरीके से वो दोनों काम साइमल्टेनियसली करे जा सकते हैं, वो भी मैंने यहां लगाया है 2 टू द पावर n n प्लस 1 बाय 2 है ना। और तीसरा तरीका भी इसका देख लो, अगर आपको थर्ड और तरीका देखना है इसका तो वो भी क्या है ना कि आप क्या करो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिल करने हैं आपको, आपको वास्तव में एलिमेंट फिल करने हैं ये वाले सारे और ये एलिमेंट्स हैं कितने, ये एलिमेंट्स हैं n, n प्लस 1 बाय 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और हर एलिमेंट को भरने का फिल करने का तरीका क्या है, या उसमें 0 आएगा या उसमें क्या आएगा 1 आएगा, तो हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, दो चॉइस है, तो मानो एक एलिमेंट के पास दो चॉइस थी, फिर दूसरे एलिमेंट के पास भी दो चॉइस थी, तीसरे के पास भी दो चॉइस थी है ना, सबके पास दो दो चॉइस थी और ऐसे कितने एलिमेंट्स थे मेरे पास n n प्लस 1 बाय 2 उसके पास भी कितनी चॉइसेस थी, दो चॉइसेस थे और ऐसे कितने एलिमेंट फिल करने पड़े मुझे n n प्लस 1 बाय 2 तो ये क्या आ जाएगा 2 टू द पावर n n प्लस 1 बाय है ना, जैसे 2 को 10 टाइम्स इनटू कर दो 2 की पावर 10 आ जाता, ऐसे n n प्लस 1 बाय 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को फिल करना है तो उसकी पावर में जाएगा 2 की पावर n n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। तो आई होप आपको एक ना एक मेथड तो समझ में इसमें आई है होगा, ठीक है, चलो। Thank you.